हेलो गाइस और वेरी वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग। हेलो गाइस, और ये मैं एक सेशन लेके आया हूँ जिसमें मैं आप लोगों को रिवीजन कराऊंगा, ठीक है। अब हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड इवनिंग। सो सेशन आज का हम शुरू करते हैं। ये एक हिडन ट्रायल सेशन है, मतलब इसमें मैं आप लोगों को हिडन ट्रायल का मतलब क्या हो गया, इस सेशन में मैं आप लोगों को जो मैंने समरी बुक बनाई हुई है उनसे पूरा रिविजन कराऊंगा। और ठीक ऐसे ही सेशन मैं अब आपका स्मार्ट बोर्ड पर लूंगा, ठीक है। तो स्मार्ट बोर्ड पर ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो एक दो दिन में मैं स्मार्ट बोर्ड पर आपका ये सेशन शुरू कर दिया करूंगा, ठीक है ना। समझ रहे हैं दोस्त मेरी बात को। तो मैं आपको एक सैंपल बता देता हूँ कि कैसे हम लोग रिवीजन करेंगे। यूपीपीएससी यही का एग्जाम आने वाला है और लगभग 10 दिन में हमें सारे सब्जेक्ट रिवाइज करने हैं, मतलब 30 दिन में हमें सारे सब्जेक्ट रिवाइज करने हैं। तो ऐसे सेशन मैं आपके लिए लेके आऊंगा ताकि आपका पूरा रिविजन हो सके। समझ रहे हैं दोस्त मेरी बात को, ठीक है। चलिए उससे पहले एक शॉर्ट वीडियो देख लीजिए कि एक शॉर्ट वीडियो देख लीजिए कि अनअकैडमी में एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है, उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो से पता चल जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस फॉर गेट 2022 विद द अनअकैडमी ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फॉर गेट 2022 क्यूरेटेड बाय टॉप एजुकेटर्स बेस्ड ऑन द लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न कवरिंग द एंटायर सिलेबस डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स विद ऑल इंडिया रैंक एवरी संडे स्टार्टिंग जनवरी 2nd एनरोल नाउ, ठीक है दोस्त। तो शुरू करते हैं आज का अध्याय, सभी लोग जुड़ जाइए दोस्त। तो आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। सेशन शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के ऊपर है और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम लोग रिवीजन करेंगे दोस्त, ठीक है ना। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का हमारा एक आज का सेशन है, उसमें हम रिवीजन करेंगे। मैंने कुछ समरी बुक बनाई हुई है ताकि कम समय में आपका पूरा सब्जेक्ट प्रिपेयर हो जाए। आज मैं पहला चैप्टर आपको रिवाइज करा देता हूँ और आप लोग देखो क्या आप लोग ऐसे पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो हम इसी पैटर्न पे आगे बढ़ेंगे और पूरा सिलेबस आप लोगों को मैं रिवाइज करा दूंगा। आ गई बात समझ में दोस्त, सबको समझ में आ गई ये वाली बात, ठीक है। तो इसी चीज को हम शुरू करते हैं गाइस। तो शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बता देता हूँ। मेरा नाम अपूर्व मित्तल है और मैं DTU का एलुमनाई हूँ। मेरी बीटेक हुई थी 2011 में। मुझे अचीवमेंट की अगर मैं बात करूँ, अनअकैडमी में मुझे बेस्ट एजुकेटर का अवार्ड मिला हुआ है, बेस्ट मैराथन का अवार्ड मिला हुआ है। आप में से जो भी स्टूडेंट अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं जो कि है ASM लाइव। समझ गए दोस्त मेरी बात को, ठीक है। और बीच बीच में आपके कोई भी अगर कॉमेंट्स हैं तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई भी अगर आप नए तरीके से रिविजन करना चाहते हैं वो भी आप मुझे बता सकते हैं, उस चीज़ को मैं हमें मॉनिटर कर रहा हूँ और आपके जो भी डाउट्स हैं वो भी हम दूर कर देंगे, मतलब उस चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। ठीक इसी तरीके से मैं आप लोगों का जो रिवीजन है वो स्पेशल क्लासेस में भी करा रहा हूँ, ठीक है। अब अगर आप कहेंगे तो मैं UPPSC A के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप लोगों को यहाँ पर सॉल्व करवा दूंगा। समझ रहे हैं दोस्त, UPPSC A के भी प्रीवियस ईयर में आप लोगों को सॉल्व करा दूंगा, तो वहां से भी आप अपनी पूरी की पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। समझ गए दोस्त, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आपको कहीं भी मुझे सर्च करना है तो आप क्या कर सकते हैं, मेरा नाम अपूर्व मित्तल सर्च कर लीजिए। मेरा नाम सर्च कर लीजिए, चाहे आप गूगल पे सर्च कर लेंगे तो भी, जो तो टेलीग्राम पे भी जो भी मैंने चीजें शेयर करी हैं वो भी आपको मिल जाएंगी। और साथ ही साथ अनअकैडमी ऐप पे भी अगर आप मेरा नाम सर्च करेंगे तो आप, मैंने अभी तक जितने भी स्पेशल क्लास, फ्री क्लासेस ली हैं, पेड क्लास ली, वो सब आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो अनअकैडमी में दो तरीके के सब्सक्रिप्शन होते हैं, हर एक एजुकेटर तीन तरीके की क्लास लेते हैं, यूट्यूब पे फ्री क्लास, अनअकैडमी ऐप पे फ्री क्लास और अनअकैडमी ऐप पर पेड क्लासेस, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो अनअकैडमी ऐप पे जो पेड क्लासेस होती हैं, समझ रहे दोस्त,
तो जो पेड क्लासेस होती हैं तो उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। आप चाहते हो कि पूरा सब्जेक्ट एक ही जगह आपको मिल जाए, आपको बार बार चीजें बदलनी ना पड़े, एक ही जगह आपको सारी चीजें मिल जाए, तो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो दो सब्सक्रिप्शन है, प्लस और आइकॉनिक, ये दो सब्सक्रिप्शन है, प्लस और आइकॉनिक, ठीक है। तो प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको क्या पूरे के पूरे लेक्चर्स के एक्सेस मिलेंगे, ठीक है, रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस, टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। आइकॉनिक में एक फायदा ये है, प्लस वाली सारी सुविधाएं मिलेंगी, साथ साथ एक पर्सनलाइज कोच आपको मिलेगा, ठीक है। ये कोच जो होता है एक मेंटर, आपको आपकी पूरी प्रिपरेशन में आपको गाइड करेगा, मोटिवेट करेंगे, ठीक है। और डेडिकेटेड आपके करेस्पॉन्डिंग जो भी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन उनके लिए अलग से डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, स्टडी मटेरियल दिया जाता है, ठीक है, टेस्ट सीरीज आपको मिलती हैं, स्टडी बूस्टर सेशन होते हैं, ठीक है दोस्त, और स्टडी प्लानर, ये सारी सुविधाएं रहती हैं, स्टडी प्लानर मिलता है, ठीक है। तो प्लस वाली सारी सुविधाएं साथ साथ आइकॉनिक की सारी सुविधाएं। सबसे बेस्ट सब्सक्रिप्शन जो होता है 12 महीने का होता है, ये सब्सक्रिप्शन सबसे बेस्ट होता है। क्यों ये सबसे बेस्ट है, इसका रीजन भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि एक साल के सब्सक्रिप्शन में आप अपना पूरा सिलेबस पढ़ के रिवाइज कर सकते हैं। तो जो भी विद्यार्थी अगले के अगले साल वाला जो सब्सक्रिप्शन अगर तैयारी कर रहे हैं गेट और ऐसे 23 के लिए, उनके लिए एक साल का सब्सक्रिप्शन सबसे बेस्ट है, ठीक है। इसकी फीस 32,450 है। इसमें भी आप अगर क्या कहते हैं मेरा कोड अप्लाई करेंगे तो आपकी जो फीस है वो लगभग 10% और रिड्यूस हो जाएगी, समझ गए दोस्त, 10% आपकी फीस और रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो 32,450 आपकी प्लस की फीस है, आइकॉनिक की फीस 56,450 है, तो ध्यान रखिएगा दोस्त, ठीक है। तो कोड लगाने से और आपकी फीस 10% रिड्यूस हो जाएगी। तो जो भी विद्यार्थी गेट और ईएससी 23 की तैयारी करना चाहते हैं, गेट और ईएससी 23 की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके लिए आरोहण बैच चल रहा है, 24 नवंबर से ये चालू हो गया था, ठीक है। अभी इसमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल चल रहा है, ठीक है। जो भी क्लासेस आपकी रह गई हैं वो आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं। तो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स इसमें आपका पूरा सिलेबस कवर करा रहे हैं, समझ गए दोस्त। तो अभी मैंने आप लोग को बताया कि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन होता है जिसमें 1-to-1 मेंटरिंग होती है, मतलब हर एक स्टूडेंट को एक मेंटर अलॉट होता है, वो मेंटर आपको आपकी पूरी प्रिपरेशन जर्नी में गाइड करते हैं, आगे बात समझ में, पूरी प्रिपरेशन जर्नी में आपको गाइड करेंगे ताकि आपका सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो सके, ठीक है। जैसे हम लोग यूट्यूब पे क्लास करते हैं ऐसे ही स्पेशल क्लासेस भी होती हैं जो ऐप पर होती हैं, और ये फ्री क्लासेस होती हैं, ठीक है। मेरी जो क्लासेस इसमें चलती हैं दोपहर में 12 बजे से चलती हैं दोस्त, दोपहर में 12 बजे से लेके 2 बजे तक चलती हैं, दोपहर में 12 बजे से 2 बजे तक मेरी क्लास चलती है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो जो भी क्लासेस हम लोग लेते हैं ऐप पर बहुत ही इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं, ठीक है। जैसे हम यूट्यूब पे लेते हैं, ऐप पर एक फायदा ये होता है कि पोल्स होते हैं उसमें, ठीक है, लर्नर्स को पोल मिलता है, ठीक है, आप उस पोल में आंसर कर सकते हैं, कोई भी डाउट है तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, आप अपना रेज योर हैंड का मतलब ऑप्शन ये होता है कि आप उसमें डाउट जो भी होता है वीडियो ऑडियो के थ्रू आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, जैसे ऑफलाइन क्लास में करते हैं। कोई क्लास मिस हो जाए तो आप उसे डाउनलोड करके कितनी बार भी देख सकते हैं, लेक्चर के नोट्स भी बनाने की जरूरत नहीं, आप क्लास से डाउनलोड कर सकते हैं, कहीं पे दुनिया के किसी भी कोने से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, आस्क अ डाउट, अनअकैडमी आस्क अ डाउट फीचर है, जिसमें अगर मान लीजिए जो भी सब्सक्राइब स्टूडेंट है उन्हें कोई भी डाउट है आपकी प्रिपरेशन जर्नी में, ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है, मान लीजिए रात में पढ़ रहे हैं आपको क्वेश्चन नहीं आया है, उसका कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको अपने ऐप के थ्रू पेस्ट कर सकते हैं और आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन 24 घंटे के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आस्क अ डाउट फीचर भी बहुत अच्छा फीचर है, जैसे पढ़ते पढ़ते कोई डाउट आ जाता है, नहीं समझ में आ रही है, तो उसे पोस्ट कर दिया, आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल गया, आगे बात समझ में। तो इस तरीके से आपको प्रीवियस ईयर हो चाहे और भी क्वेश्चन हो, आप इसमें पेस्ट करके आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो आज का जो हमारा रिवीजन है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का है, रिवीजन हम लोग कर रहे हैं, तो ये एक तरीके का मैंने एक तरीका निकाला है रिवीजन कराने का, ठीक है। अगर आपको लगेगा तो आज का सेशन तो छोटा है, ठीक है, मैं देखता हूँ रिस्पांस अगर अच्छा आया तो मैं इसी तरीके से पूरा सब्जेक्ट आपके जितने भी सिविल के सब्जेक्ट हैं ठीक इसी तरीके से मैं आपको सारे रिवाइज करवा दूंगा, समझ गए दोस्त। तो आज का हमारा सेशन हम चालू करते हैं, तो ये चीज हमें पढ़नी है आज, ठीक है। समरी हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की, तो आज हमारा पहला चैप्टर है दोस्त, और जिसका नाम है इलास्टिक कांस्टेंट, समरी बुक है हमारी ये। इस तरीके के मैंने सारे सब्जेक्ट की बनाई हुई है, इस तरीके से मैं आपको पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करा दूंगा, ये मैंने ही बनाई हुई है, इस तरीके से हम लोग रिवाइज करेंगे, ठीक है दोस्त। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, आप अगर बोलेंगे तो मैं यूपीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको करा सकता हूँ, वो भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना।
यूपी के प्रीवियस ईयर अभी पहले ये कर लीजिए, और अगर आपको लगेगा तो इसके बाद मैं यूपी के प्रीवियस ईयर भी आप लोग को करा दूंगा। पूरा सब्जेक्ट रिवाइज कर लेते हैं, फिर यूपी के प्रीवियस ईयर कर लेंगे। ठीक है दोस्त, समझ में आ गई बात? ठीक है, तो देखो हम लोग पहला चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। इसमें हम लोग क्या करते हैं, माइल्ड स्टील का हम लोग टेंशन टेस्ट करते हैं, माइल्ड स्टील का टेंशन टेस्ट करते हैं। ठीक है, माइल्ड स्टील का टेंशन टेस्ट, इसमें हम लोग स्पेसिमेन लेते हैं जिसकी गेज लेंथ होती है अपॉन डायमीटर जो होता है, इसका रेशियो 4 होता है। जनरली जो सैंपल लेते हैं, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग इंजीनियर ने ये बोला है कि लेंथ 2 इंचेस का होता है, डायमीटर 0.5 इंचेस का होता है। ठीक है, यहाँ से हम स्ट्रेस बताते हैं। ठीक है, स्ट्रेस क्या होता है, जब आप इसमें टेंसाइल लोड लगाते हैं तो मॉलिक्यूल्स में स्ट्रेस डेवलप होता है। वो कैसे डिफाइन करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया, और न्यूटन पर एमएम का डायमेंशन होता है, इसे हम मेगा पास्कल भी लिखते हैं। स्ट्रेस कितने टाइप का होता है, स्ट्रेस को अगर मैं डिफाइन करूँ तो 2 टाइप के स्ट्रेस होते हैं। एक होता है इंजीनियरिंग स्ट्रेस, नॉमिनल स्ट्रेस और कन्वेंशनल स्ट्रेस। इंजीनियरिंग स्ट्रेस, नॉमिनल स्ट्रेस और कन्वेंशनल स्ट्रेस। ठीक है, अब इस स्ट्रेस को डिफाइन करने के लिए, ठीक है दोस्त, इस स्ट्रेस को डिफाइन करने के लिए क्या होता है, जो आप एरिया ले रहे होते हैं, अगर आपने ओरिजिनल एरिया लिया होता है, ठीक है, अगर आपने ओरिजिनल एरिया लिया होता है तो ये आपका जो स्ट्रेस होता है, किसी भी पॉइंट पे आप अगर स्ट्रेस ले रहे हैं और वो आपने ओरिजिनल एरिया लिया, तो वो होता है इंजीनियरिंग स्ट्रेस। हेलो यार, हेलो रविशंकर, हेलो। दोस्त आप एक काम करिएगा, अभी जब ये मेरा सेशन ओवर हो जाएगा, ठीक है, तब आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, उस दिन मैं आप कॉल कर रहे थे, मैं आप कॉल नहीं अटेंड कर पाया, तो आज आप क्या करिएगा, सेशन जैसे ही मैं अभी फिनिश करता हूँ उसके बाद आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरे टाइप का जो स्ट्रेस होता है वो आपका होता है एक्चुअल स्ट्रेस या फिर ट्रू स्ट्रेस, एक्चुअल स्ट्रेस या फिर ट्रू स्ट्रेस होता है। समझ गए दोस्त? हेलो यार कैप्टन पार्थ, कैसे हो यार? चलो एक्चुअल स्ट्रेस जो होता है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, एक्चुअल स्ट्रेस को हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, चलो आप किसी भी टाइम पे जब स्ट्रेस ले रहे हैं उस टाइम पे जो एक्चुअल एरिया है अगर वो आप कंसिडर करते हैं तो इससे जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो क्या होगा, ठीक है, वो आपका एक्चुअल स्ट्रेस होता है या फिर ट्रू स्ट्रेस होता है। ठीक है, इलास्टिक लिमिट तक इंजीनियरिंग स्ट्रेस और एक्चुअल स्ट्रेस में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जो स्ट्रेन आपका होता है उसे क्या होता है, चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। तो अगर आप एक्चुअल लेंथ ले रहे हो तो ये आपका एक्चुअल स्ट्रेन देगा, और अगर आप ओरिजिनल लेंथ ले रहे हैं तो इंजीनियरिंग स्ट्रेन आपका आता है। ठीक है, इलास्टिक लिमिट तक देयर इज नो हार्डली डिफरेंस। हम लोग अपनी, क्योंकि डिफरेंस नहीं आता है तो हमारे लिए इंजीनियरिंग स्ट्रेस निकालना बहुत ईजी होता है रिलेटिवली। आ गई बात समझ में? हेलो यार अंबुज राय, कैसे हैं दोस्त? समझ गए? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमने क्या किया, वही अभी मैंने आपको बताया था कि अगर मैं स्ट्रेन के लिए एक्चुअल लेंथ ले, मतलब ओरिजिनल लेंथ ले रहा हूँ जो इनिशियली थी मेरी, ठीक है, तो जो स्ट्रेन आएगा वो क्या आएगा, इंजीनियरिंग स्ट्रेन, नॉमिनल स्ट्रेन और कन्वेंशनल स्ट्रेन। और अगर आप एक्चुअल लेंथ लेंगे तो क्या आएगा, एक्चुअल स्ट्रेस या एक्चुअल स्ट्रेन या फिर ट्रू स्ट्रेस ट्रू स्ट्रेन। आगे बात समझ में? अब इनके बीच में एक रिलेशनशिप होती है, क्या रिलेशनशिप होती है, अगर आपको एक्चुअल स्ट्रेस से, ठीक है, अगर मैं आपको क्या दे दूं, इंजीनियरिंग स्ट्रेस दे दूं और इंजीनियरिंग स्ट्रेन दे दूं, उससे आपको एक्चुअल स्ट्रेन पे, एक्चुअल स्ट्रेस पे आना होगा, तो ये रिलेशनशिप होती है। ये भी आपकी एक बार जेई एग्जाम में, एई एग्जाम में आई हुई है। ये जो रिलेशनशिप है ये क्या बताती है, ये रिलेशनशिप बताती है कि अगर मैं आपको एक्चुअल, सॉरी, इंजीनियरिंग स्ट्रेस दे दूं, इंजीनियरिंग स्ट्रेन दे दूं, इंजीनियरिंग बोल सकते हैं, कन्वेंशनल बोल सकते हैं या फिर नॉमिनल बोल सकते हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग नॉमिनल कन्वेंशनल, उससे मैं आपको एक्चुअल या फिर ट्रू स्ट्रेस पे लेके आऊं, ट्रू स्ट्रेस पे, तो ये रिलेशनशिप होती है, सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा नॉट 1+E0। ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान से, नेक्स्ट हमने क्या किया है यहाँ पर, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम देख रहे हैं यहाँ पर वो हमने क्या देखा, नेक्स्ट
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या चीज है, मैंने जब माइल्ड स्टील सैंपल में टेंसाइल लोड लगाया तो उसमें कैसे स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, कैसे स्ट्रेन डेवलप हो रहा है, उसको मैंने एक ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दिया। ये है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, दिस इज द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील। दिस इज द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील। आ गई बात समझ में? ठीक है दोस्त, चलो इसे समझते हैं हम लोग ये क्या चीज होती है। अब देखो इसमें ना, जैसे ही आपने मतलब लोड लगाया अप टू सर्टेन पॉइंट, एक पॉइंट के तक क्या हो रहा है, जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ रहा है वैसे वैसे मतलब स्ट्रेन बढ़ रहा है, तो इसे हम बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। फिर एक लिमिट आती है जिसमें क्या है, अगर इलास्टिक लिमिट, मतलब बी पॉइंट है इलास्टिक लिमिट। इसे हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसे हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि आपने लोड अगर लगाया, इसमें कोई डिफॉर्मेशन आएगा, लोड हटा दिया, एज इट इज पूरा डिफॉर्मेशन रिगेन हो जाएगा। फिर अपर यील्ड पॉइंट आता है, लोअर यील्ड पॉइंट, इसके बाद आपने हल्का सा भी स्ट्रेस चेंज किया, बहुत सारा डिफॉर्मेशन आएगा, फिर स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन होता है, मतलब आप स्ट्रेस बढ़ाते जा रहे हैं, स्ट्रेन बहुत कम आ रहा है, फिर नेकिंग रीजन आता है, दिस इज द नेकिंग रीजन, ईएफ इज द नेकिंग रीजन। आ गई बात समझ में? ठीक है दोस्त, तो इसको समझ लेते हैं। तो स्ट्रेन करेस्पॉन्डिंग टू यील्ड स्ट्रेस इज यील्ड स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेन करेस्पॉन्डिंग टू अल्टीमेट स्ट्रेस इज अल्टीमेट स्ट्रेन, और फ्रैक्चर पे फ्रैक्चर स्ट्रेन। आ गई बात समझ में? तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं। ए पॉइंट को हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, ए पॉइंट इज नोन एज प्रोपोर्शन, यहाँ पर हुक्स लॉ वैलिड होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो कॉन्स्टेंट क्या आ जाएगा, यंग्स मॉडुलस आ जाएगा। बी इज नोन एज द इलास्टिक लिमिट। आ गई बात समझ में? बी इज नोन एज द इलास्टिक लिमिट, समझ गए दोस्त? हाँ बता रहा हूँ, अपर यील्ड पॉइंट लोअर यील्ड पॉइंट बता रहा हूँ यार पार्थ। देखो यहाँ पर क्या है, बी इज द इलास्टिक लिमिट, ठीक है, और सी डैश अपर यील्ड पॉइंट होता है और सी लोअर यील्ड पॉइंट होता है। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम लोड लगा रहे होते हैं, इस स्ट्रेस के बाद देयर इज अ स्लिपिंग ऑफ द कार्बन एटम, तो स्ट्रेस हल्का सा कम आ जाता है, उसी स्ट्रेन पे स्ट्रेस थोड़ा सा डिक्रीज कर जाता है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ग्राफ जैसे ही थोड़ा सा नीचे आया अब उसके बाद हमने थोड़ा सा भी स्ट्रेस चेंज किया तो बहुत ज्यादा स्ट्रेन आया, और ये सी डैश पे ऐसा हुआ है, सी पर नहीं हुआ है, तो हम बोलते हैं यहाँ पर कार्बन एटम के स्लिपिंग हुई है, इसीलिए स्ट्रेस थोड़ा सा डिक्रीज कर गया। तो इसलिए अपर यील्ड पॉइंट होता है और लोअर यील्ड पॉइंट होता है, इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए लोअर वाली वैल्यू हम क्या मान लेते हैं, यील्ड पॉइंट मान लेते हैं, मतलब इस स्ट्रेस के बाद जो मटेरियल है वो क्या कर गया, यील्ड कर गया, समझ गया दोस्त? इस स्ट्रेस के बाद जो मटेरियल है आपका यील्ड कर गया। अंडरस्टूड एवरीवन? समझ में आया? चलिए अब हम आ जाते हैं सिग्मा वाई पर। सिग्मा वाई जो होता है माइल्ड स्टील के लिए, सिग्मा वाई जो होता है माइल्ड स्टील के लिए 250 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होता है, ध्यान रखिएगा। तो माइल्ड स्टील जो होता है वो 250 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर पे यील्ड करेगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, सीडी रीजन जो आपका होता है, सीडी रीजन, उसे यील्ड प्लेट्यू रीजन बोलते हैं, मतलब यहाँ पे हल्का सा आपने स्ट्रेस चेंज किया, बहुत ज्यादा स्ट्रेन आ गया, ठीक है, तो सीडी इज नोन एज दी प्लास्टिक रीजन बोल सकते हैं, या फिर यील्ड प्लेट्यू रीजन भी आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ई पॉइंट जो होता है, ई पॉइंट आपका क्या हो गया, अल्टीमेट पॉइंट हो गया, ये सबसे ज्यादा स्ट्रेस जो मटेरियल ले सकता है वो यील्ड पॉइंट है, तो ठीक है, ई इज द अल्टीमेट पॉइंट। और जो माइल्ड स्टील में अल्टीमेट स्ट्रेस होता है, ठीक है, वो होता है 350 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, 350 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। और अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है माइल्ड स्टील किसी भी मटेरियल की, उसे टेनेसिटी बोलते हैं, याद रखिएगा, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ इज नोन एज टेनेसिटी। फिर हमारे पास डी रीजन आता है, ठीक है, डीई रीजन आता है, डी रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन बोलते हैं। अगली बात समझ में? डी रीजन इज नोन एज स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। सुजीत यार आप क्या बोल रहे हैं, देखो कॉन्फिडेंस अप करने का सबसे बढ़िया तरीका जो होता है ना दोस्त, अगर आपको कॉन्फिडेंस अप करना है तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप क्वेश्चंस लगाइए। देखो ये तो मैं आप लोग को समरी बता रहा हूँ, ठीक है, ये समरी तब बता रहा हूँ जब मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ा है या स्टूडेंट ने पढ़ा है। आ गई बात समझ में? आपको क्या करना है दोस्त, कि अगर आपको लगता है कि सर कॉन्फिडेंस अप करना है मुझे एग्जाम के लिए,
तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या होता है कि आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करिए, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं, आप उसके प्रीवियस ईयर करिए। आपको लगता है कि सर क्या कहते हैं मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, मुझे क्या कहते हैं एसएससी जेई की तैयारी करनी है, एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर करिए, तो जिस भी एग्जाम की सुजीत आप तैयारी कर रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर जरूर लगाइए। समझ रहे हैं दोस्त? समझ रहे हैं मेरी बात को? धीरे 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 क्वेश्चंस लगाओगे ना, क्वेश्चंस पढ़ो उसके आंसर दो, क्वेश्चन पढ़ो उसके आंसर दो, तो ऐसे जब आप चीजें पढ़ते हो ना तो आपका ना बहुत अच्छी ग्रिप बनती है फिर। समझ गए दोस्त? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो डी आपका स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन हो गया, स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन हो गया डी। उसके बाद एफ जो होता है, एफ जो होता है वो होता है फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट तक आते आते मटेरियल फेल हो गया है। सिग्मा एफ इज नोन एज दी रप्चर स्ट्रेंथ, सिग्मा एफ इज नोन एज दी रप्चर। मॉक टेस्ट कौन से टाइम पे लगाना है? देखो आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं पहले मुझे कमेंट में ये बताइए, आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फिर मैं आपको उसके रिगार्डिंग गाइड कर पाऊंगा। एक चीज मुझे आप लोग ये बताइए, अगर मैं इस तरीके से आपको पूरा सब्जेक्ट रिवाइज कराऊं तो क्या ये सही तरीका है, या मैं भी आप लोग को क्वेश्चंस, मैं आपको ऑप्शन देता हूं, देखो मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं। ऑप्शन क्या है कि रिवीजन आप लोग को समरी से कराऊं, रिवीजन मैं आप लोग को इन्हीं समरी बुक से कराऊं, या फिर ये मैं आपसे चॉइस पूछता हूं, या आप लोग को क्या करना है कि क्वेश्चंस कराऊं मैं आप लोग को, या क्वेश्चन से रिवीजन कराऊं, ये अब आपकी चॉइस है। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी की अगर आप तैयारी करें, अभी बताता हूं यार शिवम, तो आपको मुझे बताना है कि ये जो तरीका मैंने अभी आज लिया है इससे ही आपका रिवीजन कराऊं और उसके बाद क्वेश्चंस ले लूं। अब आप मुझे बताइए कि आपको किस तरीके से रिवीजन करना है, मैं उस तरीके से आपका रिवीजन करा दूंगा। अच्छा, क्वेश्चंस के थ्रू कराना है ना? ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं कि कल से जो मैं सेशंस लूंगा, ठीक है, कल से जो मैं सेशन लूंगा उनका रिवीजन मैं आपके क्वेश्चन के थ्रू करा दूंगा। समझ गए दोस्त? चलो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, देखो आज आप लोग एक काम करो, जैसे मैं आप लोग को रिवीजन करा रहा हूं समरी के थ्रू, ठीक है, मैं आप लोग को समरी के थ्रू रिवीजन करा रहा हूं ना, ठीक है, अभी करके देख लो ये चीज। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, समरी भी बता दूंगा और उसके ऊपर क्वेश्चन भी करवा दूंगा। ऐसे कर ले तो ज्यादा सही रहेगा ना। हम लोग एक काम करते हैं, दोनों मोड से चल लेते हैं, दो मोड चलते हैं। क्या क्या मोड है कि मैं आपको समरी भी पढ़ा देता हूं, समरी पूरी पढ़ा देता हूं, और उसके बाद समरी होने के बाद उसके ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा देता हूं, ये सही रहेगा दोस्त? पूरी समरी पढ़ा देता हूं और उसके ऊपर क्वेश्चन करा देता हूं, इस तरीके से हम लोग चले तो ज्यादा बेहतर रहेगा मुझे लगता है ना? ठीक है, इस तरीके से ही हम लोग चलेंगे फिर आगे। तो अभी तो देखो मैं सिर्फ समरी समरी लेके आया हूं क्योंकि क्वेश्चंस मुझे अपलोड करने पड़ेंगे, तो अभी आप एक काम करें दोस्त कि समरी पूरी पढ़ लीजिए मेरे से जितनी मैं लेके आया हूं, अब नेक्स्ट क्लासेस से समरी क्वेश्चन ऐसे हम लोग चल देंगे, ताकि आपका यूपी ट्रिपल एससी या जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर आपको मैं करा दूंगा। यूपी ट्रिपल एससी के क्वेश्चन भी रख लूंगा और मैं आप लोगों को वेस्ट बंगाल जेई के भी क्वेश्चंस करवा दूंगा। समझ गए दोस्त? समझ गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक
है आगे बढ़ते हैं। आज की समरी जो है जितनी मैं लेके आया हूँ उतनी पूरी फिनिश कर लेते हैं दोस्त, ठीक है। कल से मैं समरी क्वेश्चन ऐसे रख लूंगा, ठीक है ना। चलो, EF जो रीजन होता है दोस्त उसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन। देखो स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन ये है EF। यहां पर क्या हो रहा है कि स्ट्रेस डिक्रीज होता चला जा रहा है, स्ट्रेन सॉफ्टनिंग, यहाँ नेकिंग होने लग जाती है, ठीक है। क्योंकि स्टील जो होता है, माइल्ड स्टील जो होता है वो शियर में फेर वीक होता है, तो क्या होता है क्रैक आने लग जाते हैं, तो इसे बोलते हैं स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन। स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन होता है, या इसे हम लोग नेकिंग रीजन भी बोलते हैं दोस्त, इसे हम लोग नेकिंग रीजन भी बोलते हैं। आगे बात समझ में। तो यील्ड स्ट्रेन जो होता है, यील्ड आने तक जो स्ट्रेन होता है 0.12% होता है, अल्टीमेट स्ट्रेन जो होता है 15 से 20% होता है, और फ्रैक्चर आते आते 25 से 30% तक स्ट्रेन आ जाता है, ठीक है। अगर मैं कार्बन कंटेंट को इंक्रीज करता हूं, ठीक है, माइल्ड मतलब स्टील में, हाँ ठीक है दोस्त, ठीक है, अगर मैं कार्बन कंटेंट को इंक्रीज करता हूँ, ये ग्राफ जो होता है ये श्रिंक करता है मगर उठता है ऊपर की तरफ, मतलब डक्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है, ब्रिटलनेस इंक्रीज हो जाती है, यील्ड स्ट्रेंथ अल्टीमेट स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्लास्टिक रीजन डिक्रीज कर जाता है, ब्रिटलनेस इंक्रीज कर जाएगी, अल्टीमेट और यील्ड स्ट्रेंथ आपकी इंक्रीज कर जाएगी। आ गई बात समझ में, ठीक है, समझ में आ गया। वेस्ट बंगाल की स्ट्रैटेजी दोस्त, मैं काम करूंगा, सूरज सुजीत आप मुझे एक दिन का समय दें, ठीक है, मैं उस पेपर का एनालिसिस कर लेता हूं, ठीक है, फिर मैं आपको बता दूंगा कैसे पढ़ना चाहिए। देखो किसी भी जेई एग्जाम की आपको तैयारी करनी है दोस्त, ठीक है, आपने जैसे क्वेश्चन पूछा कि सर डब्ल्यू वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्ट्रैटेजी बता दीजिए कैसे पढ़ें, सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है अगर आपको इस एग्जाम की तैयारी करनी है। पहला टास्क, फर्स्ट स्टेज जो आपका है, इसके तीन पेपर डाउनलोड कर लो आप, इसके तीन पेपर डाउनलोड। और अगर आप UP SSS की तैयारी कर रहे हैं, UP SSS की तैयारी कर रहे हैं, तो भी पहला स्टेज क्या है कि UP SSS के तीन पेपर डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तीनों पेपर में, जैसे पेपर वन हो गया, पेपर टू हो गया, तीसरा पेपर हो गया, तीनों पेपर में देखिए सोम कितने मार्क्स का आया है, ठीक है, FM कितने मार्क्स का आया है, RCC कितने मार्क्स का आया है, ऐसे, और BMC कितने मार्क्स का आया, ऐसे आप सारे सब्जेक्ट का फिर यहाँ एवरेज लिख लीजिए कि ऑन एन एवरेज इतने क्वेश्चन सोम के आते हैं, FM के इतने क्वेश्चन आते हैं, RCC के इतने क्वेश्चन आते हैं, BMC के इतने क्वेश्चन आते हैं। आ गई बात समझ में। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेज जो आपका है, आपको ये पता लग गया, अब इससे आपको ये पता लग जाएगा किस सब्जेक्ट में ज्यादा समय देना है और किस सब्जेक्ट में कम समय देना है। दूसरी स्टेज क्या होती है कि आप क्या करें, आप क्या करें, फिर आपको ये पता लग जाएगा क्योंकि आपने तीन पेपर डाउनलोड करें, आपको उसका डिफिकल्टी लेवल पता चल जाएगा। डिफिकल्टी लेवल अगर आपको लगता है SSC जैसा है, तो आप SSC JEE के प्रीवियस ईयर करें दोस्त, SSC JEE के आप लोग फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें, SSC JEE के प्रीवियस ईयर आपको कंठस्थ होने चाहिए, बिल्कुल याद होने चाहिए, समझ गए। चाहे आप WP वेस्ट बंगाल की तैयारी कर रहे हो, चाहे UP की तैयारी कर रहे हो, चाहे UK SSC की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, SSC JEE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए, समझ गए दोस्त। तो ये करने के बाद फिर आपका क्या टास्क आता है कि आप जो भी ये क्वेश्चन है, जिस जो आपको क्वेश्चन नहीं आते हैं, उन क्वेश्चन का कीवर्ड लिख लीजिए, उसका करेक्ट आंसर लिख लीजिए, अपनी खुद की समरी बनाइए। जैसे मैंने ये समरी बनाई हुई है, मैं पूरा सब्जेक्ट आपको 1-2 घंटे में पूरा रिवाइज करा सकता हूँ, पूरा सब्जेक्ट अगर आपको मैं 2 घंटे में रिवाइज करा सकता हूँ, तो इस तरीके से आपको क्या है रिविजन भी हो जाएगा, समझ गए दोस्त, पूरा सब्जेक्ट आपका रिवाइज हो जाएगा। रिवीजन होते ही आप क्या करें दोस्त, फिर उसके टेस्ट सीरीज लगाएं। तो 3-4 स्टेजेस में सिलेक्शन होता है। पहला स्टेज होता है पेपर एनालाइज करना, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना, प्रीवियस ईयर से समरी बनाना और उससे रिवाइज करना, प्रीवियस ईयर से समरी बना ली और उसे रिवाइज कर ली, उसे रिवाइज कर ली, ठीक है, इतना करना होता है दोस्त, समझ गए। तो ये चीजें कर लोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये अब इस काम को करने में लगभग 3 से 4 महीने लगते हैं, 3 to 4 month तो लगते ही लगते हैं, तो इसमें आप लोग लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतिए, ठीक है। इस तरीके से आपको पेपर एनालाइज करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, उनकी समरी बनानी है और रिवाइज करना है, और लास्ट है टेस्ट सीरीज लगाना,
इस तरीके से जब आप पढ़ेंगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लगभग 3 से 4 महीने इस चीज में लगते हैं। मैं आपको ये चीज करा रहा हूं, मैंने जो अपने प्रिपरेशन के टाइम पे जो समरी बुक बनाई थी मैं आपको वो रिवाइज करा रहा हूं। देखो लगभग लगभग इतना, वैसे लेक्चर पढ़ने में इतना पढ़ने में 5-6 घंटे लग जाते हैं, मगर लगभग लगभग 10 मिनट में मैंने आपको इतना पूरा समझा दिया कि टेंसाइल टेस्ट क्या होता है माइल्ड स्टील में। आ गई बात सामने दोस्त, समरी कैसे बनाए पंकज आपके सामने है ना। देखो जैसे माइल्ड स्टील है, जैसे मैंने टेंसाइल टेस्ट बताया आप लोग को, ये टेंसाइल टेस्ट है दोस्त, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, कुछ जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उन्हें लिख लिया। अब जैसे इसमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स क्या क्या हैं, ए को हम लोग प्रोपोर्शनलिटी लिमिट बोलते हैं, बी को इलास्टिक लिमिट बोलते हैं, सी को अपर यील्ड पॉइंट बोलते हैं, सी डैश को लोअर यील्ड पॉइंट, सी डी को प्लास्टिक रीजन, यील्ड प्लेट्यू, ये स्ट्रेन हार्डनिंग, नेकिंग रीजन, तो सारे छोटे छोटे पॉइंट मैंने यहाँ पर बनाए हुए हैं। देखो इस तरीके से समरी बनाई जाती है। अब मैं क्या करता हूँ, 300 पन्ने की कॉपी नहीं पढ़ता हूँ, समझ रहे हैं दोस्त, 300 पन्ने की कॉपी नहीं पढ़ता हूँ मैं, जो लगभग लगभग 25 से 30 पेजेस की मैंने जो समरी बनाई हुई है इस समरी को पढ़ता हूं मैं, बस यही मुझे रिवाइज करनी होती है। तो 300 पन्ने की चीज को मैंने किसमें कन्वर्ट कर दिया, 25 पन्ने की चीज। हाँ बिल्कुल सही है, देखो ना, अब आज देखो मैंने अभी 10-15 मिनट में आपको पूरा टेंसाइल टेस्ट पढ़ा दिया। अब आप क्या करोगे, अब आपको कभी भी एग्जाम आएगा आपको क्या करना है, पूरी कॉपी नहीं पढ़नी, ये 25 पन्ने पढ़ लिए आपका पूरा का पूरा रिविजन हो गया। तो इस तरीके से मैं आपका पूरा रिवीजन करा दूंगा दोस्त, ताकि आपका पूरा रिवीजन भी हो जाएगा और आपको पूरा सब्जेक्ट पता भी चल जाएगा, ओवरव्यू भी आ जाएगा कि अच्छा ये चीजें होती हैं। इतनी चीजें भी आपने याद कर ली तो कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन है वो आपका बन जाएगा। तो इस तरीके से पढ़ना होता है दोस्त, कम समय में अगर आपको चीजें करनी है, जब टाइम कम होता है ना, जब समय कम होता है दोस्त, ठीक है, जब समय कम होता है, कम समय में और आपको आउटपुट ज्यादा चाहिए, आउटपुट अगर आपको अच्छा चाहिए, आउटपुट अगर आपको अच्छा चाहिए तो आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं समरी, ठीक है, समरी पढ़ लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए, समरी पढ़ लीजिए सब्जेक्ट की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए, टेस्ट सीरीज लगा लीजिए, इतना कर लोगे ना तो दोस्त आपका अच्छा सिलेक्शन, मतलब सिलेक्शन हो जाएगा, समझ गए आप। समझ गए दोस्त, इस चीज को समझ में आ रही है जो मैं समझा रहा हूं। ठीक है, इस तरीके से पढ़ाई करें दोस्त, ठीक है। और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, आज की क्लास में आपके जो भी डाउट है मैं वो आपके सारे डाउट ले लेता हूं, ठीक है। कोई भी और डाउट है तो आप वो दोस्त पूछ सकते हैं मेरे से। ठीक है ना, कोई इसमें दिक्कत तो नहीं है, कंफ्यूजन कैसे कम होगी। देखो कंफ्यूजन के लिए क्या है, जैसे मैं अभी आपको समरी पढ़ा रहा हूं, ठीक है, समरी पढ़ाने के बाद मैं आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस कराऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा। अगर आपसे वो क्वेश्चन सारे बन रहे हैं, मतलब कि समरी आपको पूरी समझ में आई, पीडीएफ इसकी कहां मिलेगी, देखो आप क्या करो, आप टेलीग्राम पे अपूर्व मित्तल सर्च कर लो, टेलीग्राम पे अपूर्व मित्तल सर्च कर लो, तो ये सर्च कर लोगे तो मैंने ये सारी समरी बुक ना शेयर की हुई है बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स पे, वहां से आपको मिल जाएंगी दोस्त। ठीक है, तो हम इसी तरीके से पूरा सब्जेक्ट पहले रिवीज, पीडीएफ बता तो दिया दोस्त है ना,
ठीक है आगे बढ़ा जाए। चलो तो ये तरीका आप लोग को सही लग रहा है दोस्त, कल से हम लोग इसी तरीके से पढ़ें, ये मुझे बता दीजिए कल से हम लोग इसी तरीके से पढ़ें। पूरा समरी जो है वो मैं आप लोग के सामने रख देता हूँ, पूरा सब्जेक्ट आपके सामने आ जाएगा, फिर हम इसका रिव्यू मतलब क्या करेंगे, इसके प्रीवियस ईयर कर लेंगे। ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तो आज की क्लास तो मैं हिट एंड ट्राई कर रहा हूं, कल अब देखो हमारी जो क्लासेस की टाइमिंग है, पंकज अगर आप यूपीपीएससी यही की तैयारी कर रहे हो ना, तो क्या करो ये एक महीना जब आप हाँ वही मैं कह रहा हूं, देखो क्या होता है ना यूपीपीएससी यही की अगर आप तैयारी कर रहे हैं दोस्त, तो आप क्या कर सकते हैं कि एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरे के पूरे पढ़ सकते हैं यूपी के, और साथ ही साथ एक महीना जब आपका बचा है तो जितने भी सब्जेक्ट हैं सबकी समरी याद करना स्टार्ट कर दीजिए, समरी आप पूरी की पूरी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, समरी पढ़ लीजिए, सब्जेक्ट को याद करना स्टार्ट कर दीजिए, क्वेश्चन लगा लीजिए उसके, ठीक है, और जब भी टाइम मिले तो हिंदी और जीएस भी आप अपना पढ़ लीजिए, हिंदी और जीएस के क्वेश्चन भी आप अपना लगा लीजिए, ठीक है ना, हिंदी जीएस के क्वेश्चन लगा लेंगे तो वो मोर देन इनफ होते हैं, समझ गए दोस्त, हिंदी जीएस के क्वेश्चन लगा लीजिए और अपना तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, रिवीजन में आपका करा ही रहा हूं, रिवीजन में आपका पूरा का पूरा करा रहा हूं, तो रिवीजन आपका हो जाएगा यहां से, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग अब कल मिलते हैं दोस्त, कल मैं जो आपके लिए पीपीटी लेके आऊंगा, पीडीएफ जो लेके आऊंगा, उसमें ऐसे ही पूरी समरी होगी, पूरे सब्जेक्ट को हम रिवाइज कर लेंगे, देखो ऐसी पूरी समरी बनाई हुई है, पूरा सब्जेक्ट मैं आप लोगों को रिवाइज करा दूंगा, आपको बस क्या करना है ध्यान से सुनना है, जो जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान से सुन लेंगे, एक एक चीज आपको याद हो जाएगी। ठीक है, तो गाइस इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी, कल से हम लोग रेगुलर बेसिस पे समरी रिवाइज करेंगे, उसके क्वेश्चन करेंगे, समरी रिवाइज करेंगे, उसके क्वेश्चन करेंगे, इस तरीके से हमने पढ़ना है। ठीक है, आज की क्लास तो दोस्तों हिट एंड ट्रायल थी, तो आज की क्लास तो मैं यही ओवर करता हूँ, कल से हम लोग इसी टाइम पे मिलेंगे और इसी टाइम पे हम लोग पढ़ाई करेंगे, पूरा का पूरा सब्जेक्ट हम लोग रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास मैं यही ओवर करता हूँ, कल मिलेंगे दोस्त, पूरा सब्जेक्ट कल रिवाइज करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पूरा रिवाइज हम लोग कर लेंगे। ठीक है, आज की क्लास में यही ओवर करता हूँ, फिर कल क्वेश्चंस समरी क्वेश्चन इस तरीके से हम लोग रिवाइज करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज, गुड नाइट एवरीवन।